चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि कांग्रेस ने बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं अब जीतू पटवारी। कमलनाथ को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस ने संगठन में ये बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से कमलनाथ को हटाकर ओबीसी नेता जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता पक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष थे। पटवारी और उमंग दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के विरोधी खेमे के माने जाते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में हार के बाद से ही चर्चा थी कि पार्टी बदलाव करेगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत को नेता विपक्ष बनाया है। दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आदिवासी सीएम कार्ड की काट में कांग्रेस के नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों आदिवासी समाज से बनाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या लग रहा है ये जो बदलाव कांग्रेस पार्टी ने अब किए हैं, नहीं लगता कि अगर पहले बदलाव किए होते तो शायद कुछ फायदा होता, या फिर अब अचानक से इस बदलाव के पीछे की वजह मंशा क्या समझी जाए कांग्रेस पार्टी की? देखिए 2018 में नेता जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को 230 में से 114 सीटें मिली थी, दो सीटें कम रह गई थी बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान को यह भरोसा था कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी इन तमाम नेताओं के अगुवाई में इनका जो अनुभव है उसका लाभ लिया जाए और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े। कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ को फ्री हैंड दे रखा था पूरे 5 साल 6 साल तक, लेकिन जिस तरीके से नतीजे जो है कांग्रेस पार्टी को निराश करने वाले आए, इस बार जो है 114 से घटकर कांग्रेस को महज 65 सीटें हाथ लगी और बीजेपी को जो है बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा गुना उनको जो है वोट मिला। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान में एक निराशा का भाव था जिसके चलते, और दूसरी बड़ी वजह निदा ये है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा ने जिस तरीके से मोहन यादव को एक नए चेहरे को सीएम बनाया है, दो लोगों को डिप्टी सीएम बनाया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी युवा है, तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने इसकी काट ढूंढी है कि आगे के लिए मध्य प्रदेश में युवा चेहरों पर दाव खिला है। आप समझिए जीतू पटवारी जो है युवा चेहरा, जीतू पटवारी से आते हैं, ठीक है, और जीतू पटवारी एक युवा चेहरा है और काफी सक्रिय भी रहते हैं वो राजनीति में, लेकिन जीतू पटवारी के नाम के चेहरे के साथ एक चीज ये भी है कि वो इनके विरोधी खेमे में आते हैं, कमलनाथ हो या दिग्विजय हो। मतलब कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी इस बात का संदेश दे रही है कि अभी तक जो भी कुछ हुआ उससे खासी नाराजगी है, या फिर हार का सीधा ठीकरा जो है वो कमलनाथ के और इनके ऊपर ही फोड़ा जा रहा है, जिसका जिससे आपके संबंध अच्छे नहीं है या जो आपके विरोधी खेमे में आता है अब हम उसी को आपके सामने लेकर के आएंगे। देखिए बिल्कुल ये साफ मैसेज है कांग्रेस आला कमान का मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को, अब जो है सीनियर नेताओं की नहीं चलेगी, युवा चेहरे आगे आएंगे, युवा चेहरों के हिसाब से मध्य प्रदेश में आगे की रणनीति तय होगी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा की हैं, तो निश्चित तौर पर अब इसका फायदा लेने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी। उमंग सिंघार एक आदिवासी चेहरा है, उनको मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है, विधानसभा का सत्र जो है 18 दिसंबर से 21 आदिवासी कार्ड जो बीजेपी ने खेला वही एक कांग्रेस भी खेल रही। इसी से जुड़ी एक और खबर आ रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी खबर, अहम खबर, जीतू पटवारी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल ही की खबर आई कि जीतू पटवारी को पूरा जिम्मा जो है वो सौंपा गया, वहां की कमान उनको सौंपी गई है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली उन्हें बुलाया गया है, दिल्ली आ रहे हैं जीतू पटवारी। हमारे ब्यूरो चीफ गौरव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या क्या लग रहा है, क्यों आ रहे हैं और फिर अब क्या कोई और बात बाकी है या कुछ और ऐलान, कुछ और संभव है, क्योंकि कल जो होना था वो हो गया, आज दिल्ली बुलाया गया है जीतू पटवारी को? देखिए निश्चित तौर पर एक नई जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी युवा चेहरों पर दी है, इन युवाओं के कंधे पर 2024 की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है।